तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज फुल हो गई हो और दोस्तों आप चाहते हो कि आप जो भी फोटोज क्लिक करो या वीडियोस बनाओ अपने फोन से वो डायरेक्ट आपके एसडी कार्ड मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके सेव हो, क्योंकि आपकी इंटरनल स्टोरेज तो फुल हो गई है। तो फिर आपको फिर उसमें से या तो मूव करना पड़ेगा एक्सटर्नल स्टोरेज में, या तो फिर आपको अपने पुराने फोटोज और वीडियोज वगैरह डिलीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसमें अपना फोटोज या वीडियोस नए क्लिक कर सकते हो। पर दोस्तों ऐसी भी सेटिंग्स होती हैं कि आप कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो अपने फ़ोन के कैमरे से, कोई भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट आपके एसडी कार्ड यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव होगा। तो इस वीडियो में आपको वो सेटिंग बताने वाला हूं, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस जरूर करना। तो दोस्तों सेटिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इसके बारे में कि ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने Redmi Note 9 Pro Max में बता रहा हूँ और साथ में जो इसमें MIUI वर्जन है वो है MIUI 12। तो अगर आपका फ़ोन कोई दूसरे ब्रांड का है या फिर हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई और MIUI वर्जन हो तो वो सेटिंग थोड़ा आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन ये सेटिंग आपको मिलेगा ज़रूर। बट दोस्तों एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन में एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन हो तभी आपको ये सेटिंग मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में एसडी कार्ड नहीं लगता तो आप फिर कहाँ से ये सेटिंग ढूंढ पाओगे, तो ये चीज़ ध्यान देना और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करना। ये जो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, ये सेटिंग करने के बाद आपके कैमरे से जो भी पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड होगा वो सीधा जाके मेमोरी कार्ड यानी कि एक्सटर्नल एसडी कार्ड में सेव हो जाएगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने मैं फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ कि जिस डिवाइस में मैं बता रहा हूँ वो डिवाइस है Redmi Note 9 Pro Max जिसमें MIUI 12 जो है वो इंस्टॉल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MIUI वर्जन 12.0.2.0, तो MIUI 12 में आपको ये सेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ मैं बताने वाला हूँ, MIUI 11 में कहीं और देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप किसी और ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक्सटर्नल एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है तो उसमें भी ये सेटिंग रहेगा, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा तो वो मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताएगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आपको वो सेटिंग कहाँ मिलेगी किस डिवाइस में। तो मैं बता रहा हूँ MIUI 12 Redmi Note 9 Pro Max में। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आना है सेटिंग में, सेटिंग में आप आएंगे उसके बाद आपको आना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ देखिए स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आइए नीचे, फिर नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है स्टोरेज सेटिंग, स्टोरेज सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको दिया गया है कैमरा, तो कैमरे पे जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है इंटरनल स्टोरेज। अगर अभी ये इंटरनल स्टोरेज पे तो जो भी मैं इस कैमरे से पिक्चर लूँगा या वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो मेरे इंटरनल स्टोरेज में सेव होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली मेरे एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि एसडी कार्ड में सेव हो, तो यहाँ से मुझे ये एसडी कार्ड पे क्लिक कर देना एक्सटर्नल स्टोरेज पे। तो अब मैं जब भी कैमरे से कोई भी वीडियो लूँगा या फिर फोटो लूँगा तो वो डायरेक्ट जाके मेरे एसडी कार्ड यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव होगा। वही चीज़ यहाँ थीम्स में भी दिया गया कि आप जब भी कोई थीम डाउनलोड करोगे तो वो इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज कर दोगे तो वो थीम आपका डायरेक्ट आपके एसडी कार्ड में सेव होगा। उसके बाद गैलरी का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि गैलरी में भी कोई मीडिया आ रही है तो वो जो भी फाइल बन रही है सेव हो रही है तो वो आपका सीधा एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके सेव होगी। साथ में देखिए यहाँ पे नीचे ये लिखा गया कि अगर आपके फ़ोन में एसडी कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका जो भी डाटा रहेगा जैसे आप कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हो या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आपने एसडी कार्ड नहीं लगाया है और आपकी सेटिंग एक्सटर्नल स्टोरेज पे है उसके बाद भी आप कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जाके आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर उसका दे दूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना भाई, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।